अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग। वैसे तो 40 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों के बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आजकल देखा गया है कि जो लोग टीन में होते हैं या फिर अर्ली 20s में होते हैं या बच्चे भी होते हैं तो उनके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं और इस चीज़ को कहते हैं प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसके रीजंस क्या होते हैं, प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और एंड पर मैं आपको होम बेस्ड रेमेडी बताऊंगी जिससे वो तमाम लोग जिनको प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग का प्रॉब्लम है वो अप्लाई करते हुए अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं। तो जल्दी से आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मैंने दूसरा चैनल बनाया है एरम्स लाइव, जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर हम अपनी मेन वीडियो स्टार्ट कर सकें। अगर हम रीजंस की बात करें तो रीजंस में सबसे पहला रीज़न आ जाता है जेनेटिकली। अगर आपकी फैमिली में यानी आपके फादर को, आपकी मदर को, किसी को भी अगर अपनी नौउम्री में ये इशू रहा था कि उनके बाल जवानी में ही वाइट हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग का प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसे में अगर सोल्यूशन की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का, अगर जेनेटिकली आपके बाल वाइट हुए हैं तो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं सिवाय ये कि आप अपने बाल हेयर डाई कर लें, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं। बैड न्यूज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पेरेंट्स के जेनेटिकली बाल वाइट हुए हों और इसी वजह से उसके भी बाल वाइट हुए हैं। और भी बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके बाल वाइट हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं इन्वायरमेंटल इशूज़। टाइम के साथ साथ इतनी ज़्यादा पोल्यूशन, और फिर जब हम बाहर जाते हैं तो स्मोक, धूल मट्टी, डस्ट और पता नहीं क्या क्या जर्म्स जो है आपके बालों में आते रहते हैं, पसीना, स्वेटिंग, एक्सट्रीम वेदर, धूल, धूप, पता नहीं क्या कुछ। तो एक्सट्रीम वेदर हो, पोल्यूशन हो, स्वेटिंग हो, एक्सेस स्वेटिंग हो, डस्ट हो, ये सारी चीज़ें भी बालों को वाइट कर देती हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, तो बाल धूप में सफ़ेद हो जाते हैं अगर आप बहुत देर तक सन के अंडर रहते हैं तो। अगला रीज़न इसका आ जाता है किसी भी किस्म की सीवियर डिजीज़। आपके सीवियर टाइप की डिजीज में आ जाते हैं, आपको किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है, एस्थमा का प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड कभी हुआ था, मलेरिया का इशू है, तो ऐसे में और इसी तरह से अगर आपका वीक इम्यूनिटी सिस्टम है तो भी आपके बाल वाइट हो सकते हैं। फिर आजकल देखा गया है कि यंगस्टर्स में एक बहुत फैशन आया है कि अपने बालों को हर टाइम डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाना, फिर डाइज करना। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो हेयर डाई होते हैं, जेल्स होती हैं, हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर स्प्रेज होते हैं, इनमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और अगर इनको कंटिन्यूसली आप यूज़ करते रहें तो आपके बाल प्री मेच्योरली वाइट हो सकते हैं। उसके अलावा वो लोग जो कि नींद पूरी नहीं करते या फिर किसी भी किस्म के स्ट्रेस में रहते हैं, आपने सुना होगा ना कि फिकर से बाल वाइट हो जाते हैं या फिकर ने हमारे बाल सफ़ेद कर दिए हैं, तो ये बहुत सच्ची बात है। वो लोग जो हर वक्त किसी ना किसी किस्म के स्ट्रेस में रहते हैं तो उनके बाल भी वाइट हो सकते हैं। बैड फूड चॉइसेस भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके बालों को वाइट कर सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, या ऐसा फूड खाते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं हो, या फिर आप जो है ऐसी फूड खा रहे हैं जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ना हो, मल्टी मिनरल्स ना हो, विटामिन्स वगैरह ना हो, तो उसकी वजह से भी आपके बाल वाइट हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इनफ पानी नहीं पी रहे, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिए, लेकिन अक्सर बच्चे आजकल के पानी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक्स पिला लें जितनी पिलानी है, जूसेस पिला लें, पानी ना पिलाएं। तो अगर आप पानी नहीं पीते तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट रीज़न है कि अगर आप अपने बालों को ऑयल नहीं करते। जी, हम समझते हैं हमने जेल लगा लिया है, हमने हेयर स्प्रेज लगा लिए हैं, हमने हेयर प्रोडक्ट्स लगा लिए हैं महंगे से महंगे, तो हमारे बालों को अब ऑयल की ज़रूरत नहीं। जबकि ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऑयल लगा के बालों को मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, और ब्लड सर्कुलेशन जब आपके सर में बढ़ती है तो आपके बालों को खुद ब खुद ही स्ट्रेंथ मिलती है, ग्रोथ मिलती है, ताकत मिलती है, और वो चीज़ें जिनकी कमी की वजह से आपके बाल व्हाइट होना शुरू हो गए थे, तो इस चीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो ये था कि अगर आपको हेरिडिटरी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय ये कि आप अपने हेयर डाई करें। अच्छा, हेयर डाई में भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका हेयर डाई जो भी हो वो अमोनिया फ्री हो। वैसे तो आपको ऐसा अमोनिया फ्री टाइप का कोई भी हेयर डाई नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी अमोनिया की होती ही होती है, क्योंकि इसीलिए फिर बाल डाई होते हैं। तो
आप कोशिश करें कि वो वाला प्रोडक्ट लें जिसमें बहुत कम अमोनिया यूज़ होता है, या अगर आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो दूसरी सूरत में ये है कि जब भी आप अपने बालों को हेयर डाई करें तो अगर आपने 1 घंटा डाई लगा कर रखना है तो उसकी जगह आप आधा घंटा लगा के रखें, यानी कि टाइम कम कर दें। दूसरी चीज़ ये थी कि पोल्यूशन की वजह से या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से आपके बाल वाइट हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए तरीका ये है कि जैसे ही आप बाहर से घर आएँ और आपको एक्सेस स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है, तो आके आप अपने बालों को ज़रूर धोएं और माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हार्श केमिकल्स वाला शैम्पू ही यूज़ करें, या ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ रोज़ शैम्पू यूज़ करें। आप बाल धोएं, शैम्पू बेशक एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें। इसी तरह हमने एक और रीज़न देखा था कि सीवियर डिजीज़ किसी भी किस्म का अगर आपको है तो भी आपके बाल वाइट हो सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। देखें, आपको जैसे ही बाल वाइट होने का इश्यू स्टार्ट होता है ना, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि आपके बाल क्यों वाइट हो रहे हैं। जब तक कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो आपको बताता नहीं कि ठीक है भाई, इस चीज़ की वजह से या इस चीज़ की वजह से या इस चीज़ की वजह से, तो डॉक्टर के पास आप जरूर जाएं। फर्स्ट स्टेप, जब भी आपके बाल व्हाइट होना शुरू, आपने फर्स्ट स्टेप यही करना है कि पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे। और डॉक्टर में भी आपने ये ध्यान देना है कि अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट हो, ये नहीं कि आप सस्ते के चक्कर में किसी के पास भी चले जाएं और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स आप पे आजमाते हुए आपके जो रहे सहे बाल हैं उनको भी ख़त्म कर दे। फिर हम लोगों ने प्रोटीन की बात की थी कि हमारी फूड में प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं होता, तो प्रोटीन के लिए आप ये है कि आप अपनी फूड में एग, फिश, चिकन, मीट, ये चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर दालें, लोबिया, चने और इसी तरह से ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ये सारा कुछ अपनी फूड में इस्तेमाल करें। पनीर, चीज़, ये सब इस्तेमाल करें। दूध ज़रूर यूज़ करें। और फिर पानी को भी आप अपने पानी की क्वांटिटी का भी ख्याल रखें इसी तरह से, क्योंकि हमारी बॉडी में किसी ना किसी मिनरल या विटामिन की कमी हो सकती है, तो इसलिए आप जो है मल्टी मिनरल्स और मल्टी विटामिन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसी तरह से आयरन, जिंक, कॉपर, बायोटिन, इसके सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर था कि स्ट्रेस की वजह से भी बाल होते हैं ख़राब, तो स्ट्रेस लेना आप छोड़ दें, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ लें कि वो जो मुश्किल दिन है वो गुजर जाएगा, वो अपनी जगह नहीं रहेगा, तो स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं। और अपने आप को बिजी रखें, आप जितना खुद को किसी एक्टिविटी में किसी चीज़ में बिजी रखेंगे उतना ही आपका ध्यान स्ट्रेस की तरफ नहीं जाएगा। और नींद आप पूरी करें, 6 से 8 घंटे की नींद हर सूरत में लें, और आप देखेंगे कि आपको जो हेयर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है अगर वो जेनेटिकली नहीं है तो उस पर भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। फिर हमने बात की थी कि हम बालों को ऑयल नहीं करते, तो बालों को ऑयल करना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि आजकल के यंगस्टर्स को बस ये है कि हमने बालों को ऑयल नहीं करना, बाकी हमसे डाई करवा लो, जेल लगवा लो, स्प्रेस करवा लो, लेकिन ऑयल नहीं करना, ऑयल से जान जाती है। तो वीक में आप कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा आप ज़रूर ऑयल करें, और ऑयल करते हुए आप सिर्फ स्कैल्प पर ही ऑयल नहीं लगाएं, जो कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप अपने बालों को भी ऑयल करें, और आप देखेंगे कि आपका बहुत बड़ा ये जो इश्यू है हेयर ग्रेइंग का वो सॉल्व होने लग जाएगा। क्योंकि जब आप ऑयल करने के बाद अपने सर को मसाज करते हैं तो उस मसाज की वजह से आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ और बालों को स्ट्रांग करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। और एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपने बालों को, अगर हम एक या दो अपने सर में व्हाइट बाल देखते हैं तो हम उसे उखेड़ देते हैं, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, बालों को उखाड़ना नहीं है। क्योंकि देखें, एक स्टेज आती है कि आपके बाल खुद ब खुद ही पुराने उतरते हैं और नए निकलते हैं, तो वो जो व्हाइट हेयर हैं वो भी उतर जाएंगे। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल का, अपनी न्यूट्रिशन का, अपने बालों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो उनकी जगह जो बाल निकलेंगे वो फिर ब्लैक होंगे। तो इसलिए उखेड़ने की आप गलती ना करें, उनको एज इट इज रहने दें। लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगी वो रेमेडी जो मैंने आपको बताया था कि आप घर में ही बना सकते हैं, और उससे आपके जो व्हाइट हेयर हैं वो सारे आप ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक नहीं, जो नेचुरली आपके बालों का कलर होगा वो आप कर सकते हैं, कॉफी कलर जिसको कहेंगे। ये मेरी एक फ्रेंड थी जिसके बाल अर्ली 20s में ही सारा, आधे से ज़्यादा सर वाइट हो गया था, और ये उससे मैंने ली है। वो अब इसी को यूज़ करती है, जब भी उसे प्रॉब्लम होता है इसी को यूज़ करती है। वो किसी किस्म का हेयर डाई, किसी किस्म का हेयर स्प्रे, किसी किस्म का कुछ भी ब्लीचिंग यूज़ नहीं करती, सिर्फ यही रेमेडी यूज़ करती है, और उसके बाल माशाल्लाह से ये हेयर ग्रेइंग का मसला ख़त्म हो गया है। तो ये जो मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी ये नॉर्मल हेयर के लिए है, मीडियम साइज के हेयर के लिए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप क्वांटिटी उस हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपके बाल छोटे हैं तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 2 चम्मच लेमन या लाइम जूस, और 2 चम्मच कोई भी हेयर ऑयल।
कोकोनट ऑयल हो बेस्ट है, वरना आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपके घर में है। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद आप हाथों में ग्लव्स पहन लें, क्योंकि ये चीज़ें कलर छोड़ती हैं। हाथों में आप ग्लव्स पहन लें और उसके बाद आप किसी भी ब्रश की मदद से अपने वाइट हेयर पर इस मिक्सचर को अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आप इसको, आप शावर कैप पहन लें और आधा घंटा से लेके घंटे तक आप लगा रहने दें और उसके बाद आप इनको धो लें। अच्छा, धोने में आपने ये ख्याल रखना कि आपने शैम्पू नहीं करना, क्योंकि अगर आप शैम्पू करेंगे तो वो उतर जाएगा सारा कुछ, तो आप उसको कंडीशनर यूज़ कर लें। आपने इसको हर रोज़ करना है और आप देखेंगे कि 2 हफ्ते में ही आपके बाल नेचुरल कलर की तरफ आने लग जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कॉफ़ी कलर छोड़ती है, तो आप जब भी सोने लगें तो आप अपने तकिए पर कोई भी शीट या कोई पुराना कपड़ा बिछा के सोएं, ताकि आपके तकिए या आपकी बेडशीट पर आपके बालों का कलर नहीं लगे। 2 हफ्ते ट्राई करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत 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 पॉजिटिव असर नज़र आएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, और आपकी वो तमाम फ्रेंड्स जिनको किसी भी किस्म का प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग का इशू है, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।